आज आप ये खबर लगातार सुन ही रहे होंगे कि रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हो चुकी है और जो आने वाले समय में गंभीर रूप भी ले सकती है। लेकिन एक चीज़ जो है वो समझना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी वॉर और जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ को चेतावनी दे रही है, उसको बुलावा दे रही है, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। आज मुझसे कुछ लोगों ने दिन में पूछा कि क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हो रहा है, आखिरकार ये कौन सी वॉर है और हो क्यों रही है। अब वॉर में क्या कुछ चल रहा है वो जानकारी तो आप बाखूबी नेशनल टीवी पर देख ही रहे होंगे, लेकिन मैं आपको केवल ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और ये कब से तनाव बना हुआ है इन दोनों मुल्कों के बीच में और आखिरकार वजह क्या है। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिरकार यूक्रेन और रशिया के बीच में किस चीज़ को लेकर लड़ाई चल रही है, जिस वजह से आज आप ये खबर सुन रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग होने वाली है और जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ भी देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं, शुरुआत करेंगे 1991 से इसकी जो है आप ये कह सकते हैं कि दस्तक दे दी गई थी और जिसमें मैं आपको बता दूं कि 1991 में क्या हुआ था, जो यूएसएसआर के जो यूएसएसआर था जो उसमें जो मुल्क आते थे यानी कि 15 कंट्रीज बनी और ये बंटवारा हुआ, यूएसएसआर को तोड़ा गया जिसमें से 15 कंट्रीज बनी जिसमें से सबसे बड़ी कंट्री जो है वो रशिया बनी। और जिसमें मैं आपको बता दूं कि अब यूक्रेन वर्सेस रशिया क्यों हो रहा है, इसको समझने के लिए मेरे पास इस समय एक मैप है, वो आपको समझना पड़ेगा। ये मैप आप देख लीजिए जिससे आपको काफी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, ये मैप आप देख रहे हैं जो कि मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट किया है अपने लेवल पे। देखिए, ये है रशिया, ये पूरा एरिया रशिया का है और ये है आपका, ये एरिया है यूक्रेन का, ठीक है। यूक्रेन के साथ में जो ये एरिया है ये है यूरोप और यूक्रेन का इलाका जो है, जो यूक्रेन मुल्क है वो केवल इतना है, ये एरिया भी यूक्रेन में आता है, ये एरिया सारा यूक्रेन में आता है। और ये जो एरिया है यहाँ पर गैस के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इसका नाम है सी अजब। यहाँ पर मेरे पास ब्लू पेन है तो ये देखिए, ये ब्लू मैं कर दूंगा, ये एरिया है सी अजब का और यहाँ पर है ब्लैक सी, इस जगह पर ब्लैक सी है और ये एरिया है क्रीमिया का एरिया। ये देखिए, ये एरिया क्रीमिया का है और ये एरिया जो है, ये एरिया पूरा का पूरा आप देख रहे हैं यूक्रेन में आता है। तो हुआ क्या, 2014 में रशिया ने क्या किया, रशिया ने इस इलाके को यानी कि जो ये इलाका है क्रीमिया का इलाका, ये इलाका इसे कैप्चर कर लिया। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को कैप्चर कर लिया और इसके साथ ब्लैक सी आप यहां पर देख रहे हैं और ऊपर की ओर आप देख रहे हैं सी अजब। अब जो 2014 में जब रशिया ने कैप्चर किया क्रीमिया को, उस समय यहां पर आप देख सकते हैं आफ्टर दैट रशिया आउट फ्रॉम G8 यानी कि G8 में जो मुल्क आते थे उसमें से रशिया को बाहर कर दिया गया और G7 पीछे रह गया। यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी और इसके बाद अब समझने वाली बात है कि अब क्या दिक्कत आ रही है। आप कहेंगे कि 2014 की बात मैं आज क्यों आपको बता रहा हूं, तो आज ये बात मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि 2014 में तो क्रीमिया पे कब्जा किया गया था लेकिन अब ये रहा आपका क्रीमिया और क्रीमिया के साथ जो ये इलाका आप देख रहे हैं, ये वाला इलाका, इसका नाम है डोनास्क और लुहास्क इस एरिया का नाम है। ये जो छोटा सा एरिया आप देख रहे हैं डोनास्क और लुहास्क, जिसको नाम दिया गया है डोनबास रीजन का, इस इलाके को पूरे के पूरे को जाना जाता है डोनबास इलाके के नाम से। अब हुआ क्या, रिसेंटली यहां पर रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के चार जो आर्मी के वहां के जो सोल्जर्स थे उन्हें मार गिराया। यूक्रेन के चार सोल्जर्स को रशिया ने मार गिराया जो कि इस इलाके में थे और अब रशिया इस इलाके पर कब्जा कर रहा है, ये वाला इलाका, ये इलाका यहां पर रशिया कब्जा कर रहा है। अब कब्जा क्यों कर रहा है रशिया, ये समझना जरूरी है
क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गैस का उत्पादन होता है, गैस के रिसोर्सेज हैं इस इलाके में यूक्रेन के, और यूक्रेन एक तरह से छोटा मुल्क होने की वजह से यूरोप की गोदी में जाकर बैठा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन बहुत छोटा है। मैंने मैप बड़ा बनाया है, लेकिन अगर आप मैप खोलकर देखेंगे, आप ज़रूर देखिएगा, तो यूक्रेन बहुत छोटा सा इलाका है, छोटा सा मुल्क है। तो इसके साथ में ये पूरा यूरोप है, तो यूरोप की गोद में एक तरह से यूक्रेन है। अब रशिया को क्या लगता है? रशिया को लगता है कि जो यूरोप के देश हैं, जैसे कि जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये लोग इस एरिया पर कब्जा करना चाहते हैं, जहां पर गैस का बहुत ज़्यादा उत्पादन है, इस एरिया को कब्जे में लेना चाहते हैं, तो रशिया को ऐसा लगता है। लेकिन यूरोप के लोग भी अगर यूक्रेन को खोने दे दें तो उनके पास गैस का उत्पादन नहीं रहेगा, यानी कि एरिया ख़त्म हो गया तो गैस कहाँ से आएगी। तो इस एरिया से सारी की सारी जो गैस है वो कहाँ जाती है? यूरोप में। यहाँ से इस तरफ गैस जाती है यूरोप में, इस एरिया से सारी गैस जो है वो यूरोप की तरफ जाती है। तो अब रशिया यहाँ पर इस एरिया पर कब्जा करना चाहता है, ये कारण है कि यहाँ पर इस समय विवाद चल रहा है। हालांकि 2014 में भी, आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा, कुछ लोग लिख रहे हैं, पेज नीचे रख लो, ये देखिए। तो अब क्या है, अब कहानी यहाँ से आगे शुरू होती है। अब देखिए विवाद कहां से शुरू हुआ, यह मैंने आपको बता दिया, और यह देखिए, यह मैप आपने अगर नहीं देखा एक बार फिर से देख लीजिए। तो विवाद यहां से शुरू हो गया, लेकिन अब आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि अगर जो कि इस इलाके के लोग हैं, डोनबास रीजन के जो लोग हैं, ये आपत्ति क्यों नहीं जता रहे, ये इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रहे। अगर आपके जम्मू में आकर कोई दिल्ली वाला या फिर कोई बाहर के मुल्क का व्यक्ति आकर यहाँ पर कब्जा करेगा तो जाहिर सी बात है जम्मू के लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो यहाँ के लोग अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? तो इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग अपनी आवाज़ इसीलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि ये जो लोग हैं ये रशियन मानसिकता वाले लोग हैं, रशियन कल्चर को फॉलो करते हैं, रशियंस को सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे पाकिस्तान ओकोपाइड कश्मीर है और वो लोग कश्मीरियों को सपोर्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर को सपोर्ट करते हैं और जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनना चाहते हैं, सेम उसी तरह से ये लोग जो हैं ये रशियन विचारधारा के लोग हैं। इसी वजह से ये लोग जो हैं ये रशियन विचारधारा की वजह से ये लोग ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करते। अब यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आ रही होंगी, वो भी मैं आपको बता दूँ। तो इसमें जो ये है जी, जहां तक मैंने आपको जानकारी दे दी, अब यहां पर जो इस समय विवाद है वो है यूक्रेन आर्मी वर्सेस रशियन सेपरेटिस्ट। जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं इन्हें रशियन सेपरेटिस्ट कहा जाता है। क्रीमिया पर कब्जा किया रशिया ने और उसके बाद डोनबास रीजन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। डोनबास रीजन में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें रशियन सेपरेटिस्ट भी कहा जाता है। और अब यूक्रेन की जो आर्मी है उनकी भी, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यूक्रेन के अंदर ही रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ भी इनका हमेशा से ही तनाव बना रहता है। और अब जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो कहते हैं कि रशिया ने भड़काया है इन लोगों को, रशिया ने इन लोगों को भड़काया है, और जिसमें शामिल देश हैं अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी। अब यूक्रेन का क्रीमिया और डोनबास रीजन जो है वहां पर गैस ज्यादा होने की वजह से ही सारा का सारा जो है ये तनाव बना हुआ है। अब यहां पर सस्पेंस सुनिए, सस्पेंस क्या है? सस्पेंस ये है कि यहां पर नाटो अब सामने आ रहा है। अब नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यहां पर सामने आ रही है और यूक्रेन का कहना है कि हमें नाटो में शामिल कर लीजिए। नाटो एक ऐसे मुल्कों का एक संगठन है जिसने कसम खाई है कि अगर किसी देश पर अगर हमला होता है जो कि इस देश के सदस्य हैं तो वो अमेरिका पर हमला माना जाएगा। लेकिन दिक्कत वाली बात यहां ये है कि नाटो इसका हिस्सा नहीं है, नाटो इस चीज का हिस्सा नहीं है। इसी वजह से यूक्रेन बार बार इस चीज की अपील कर रहा है कि मुझे नाटो में शामिल कर लीजिए। अगर नाटो में यूक्रेन शामिल हो जाता है तो अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ये सब देश जो हैं ये खुलकर सामने आ सकते हैं और अगर जंग होती है तो यूक्रेन को बचा सकते हैं। लेकिन यहां पर यूरोपियन देश जो हैं वो
रशिया के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन नाटो में ये यूक्रेन इस समय नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यूक्रेन को। और इसीलिए यूक्रेन बार बार कह रहा है कि मुझे नाटो में शामिल कीजिए। नाटो फाउंडेड किया गया था, बनाया गया था 1949 में, और आर्टिकल 5 इस चीज की इजाजत नहीं दे पा रहा, क्योंकि अगर कोई मुल्क नॉन मेंबर है और वो अगर नाटो का सदस्य नहीं है और अगर उस पर अटैक होता है तो उसे अटैक की निंदा तो की जा सकती है, लेकिन उस पर एक्शन जो है वो नाटो की तरफ से नहीं लिया जा सकता। और यही कारण है कि नाटो की तरफ से दखलंदाजी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन नाटो इसमें कोई भी अभी तक अहम भूमिका जो है वो अभी तक नहीं निभा पाया है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि जी हां, अब नाटो में एक और चीज है यहां पर, अब जबरदस्ती का हमला अगर यहां पर कोई मुल्क किसी मुल्क पर करता है तो उस बीच नाटो भी खुलकर बाहर नहीं आना चाहता है। और यही कारण है कि अब नाटो की तरफ से अब यूक्रेन की जो सारी उम्मीदें हैं वो नाटो पर टिकी हुई हैं, कि जो ये नाटो में आने वाले मुल्क हैं यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो मुल्क हैं वो यूक्रेन को शामिल कर लें ताकि यूक्रेन और ज्यादा पावरफुल हो जाए। तो यहां पर सारी की सारी जो विवाद हो रहा है और इसके पीछे का कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ गैस का उत्पादन है, गैस के रिसोर्सेज हैं जो कि यूक्रेन के कुछ इलाके, जो कि क्रीमिया का इलाका है जिसे पहले से ही रशिया ने कैप्चर किया है, अब डोनबास का इलाका जिस पर वो कब्जा करना चाहता है, दूसरी तरफ से यूरोप के जो लोग हैं वो उस इलाके के, खासतौर पर डोनबास के इलाके के, उनकी आपस में ही अपने ही यूक्रेन के आर्मी, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के लोगों से बनती नहीं है और वो रशिया विचारधारा वाले लोग हैं और रशिया के साथ रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो यही कारण है कि वहाँ की जो आर्मी है उनकी भी डोनबास के इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनके साथ हमेशा से विवाद रहता है, यानी कि अपने ही देश के जो लोग हैं वो अपने ही देश को सपोर्ट भी नहीं कर रहे और रशिया जो है वहाँ से भड़काने का काम भी तेजी के साथ कर रहा है। यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान ओकुपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो कश्मीर में तो आना चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान उन्हें आने नहीं दे रहा। अब यहां पर कौन सा मुल्क सही है कौन सा गलत है इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल होगा, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर की रिपोर्टिंग करते हैं, भारत पर नजर रखते हैं, तो बाहर के मुल्कों में क्या कुछ चल रहा है ये खैर आपको जो इस पर बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस करने वाला व्यक्ति होगा वही बता पाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाना चाहते थे और जो हम आप तक पहुंचा सकते थे वो हमने पूरी पूरी कोशिश की है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको समझ में आ चुका है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या विवाद चल रहा है और क्यों चल रहा है। और अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर हमारे पास उसका जवाब होगा तो वो भी हम आपको ज़रूर देंगे। देखते रहिए चैनल 1। शुभ रात्रि।